ब्रेक तो बात खबर सिलसिला एक बार फिर तो जारी है ते हुण संगरूर जिमनी चोण नाल जुड़ी साडी खास पेशकश संगरूर दा संग्राम। संगरूर लोग सभा जिमनी चोण लई आ चोण प्रचार थम जाएगा, शाम 6 बजे तक उम्मीदवार प्रचार कर सकणगे। दस दी कि 23 जून नूं वोटिंग होनी है। संगरूर लोग सभा जिमनी चोण नूं लैके जो चोण अखाड़ा पक्या होया, अज इस नूं लैके चोण प्रचार थम जाएगा, शाम 6 बजे तक उम्मीदवार प्रचार कर सकणगे। दस दी कि 23 जून नूं वोटां पैणियां ने। तमाम पार्टियां दे उम्मीदवारां ने अपनी पूरी वाह इस वेले लगाई हुई है। दिग्गज आगुआं वल्लों अपने उम्मीदवारां दे हक विच चोण प्रचार कीता जा रिहा। दस दी कि कमलदीप कौर राजवाणा के हक में सुखबीर सिंह बादल महल कलां दे विच अज रोड शो कढ़णगे। उथे बीजेपी उम्मीदवार वल्लों बरनाला दे विच अज रोड शो कढ़िया जाएगा। कांग्रेस के आप उम्मीदवार वख-वख थावां ते अज चोण प्रचार करते नजर आणगे। तो दस दिए कि संगरूर लोग सभा जिमनी चोण नूं लैके चोण अखाड़ा जो पक्या होया, अज इस नूं लैके चोण प्रचार थम जाएगा। सो ए दस दिए कि आप वल्लों जिथे चोण प्रचार अज कीता जाणा है, कांग्रेस की भी चोण मुहिम पक्की हुई है। उते सिमरनजीत सिंह मान वल्लों भी लगातार चोण प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी ने भी अपनी पूरी वाह लगाई हुई है। इस वेले तमाम जड़े पार्टियां दे उम्मीदवार ने आपो पूरा जोर लगाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने दिग्गज जड़े ने वो इस वेले चोण मैदान च उन्होंने वालों प्रचार जड़ा किया गया है। और अज शाम 6 बजे जड़ा है वो चोण प्रचार थम जाएगा। 23 तरीक नूं वोटां पैणियां ने संगरूर लोग सभा जिमनी चोण नूं लैके। दस दे के संगरूर लोग सभा हल्के की तस्वीर जो तुसी देख रहे हो, किस तरह के नाल तमाम पार्टियां के उम्मीदवारों वालों अपना पूरा जोर लगाया जा रहा है। उन्होंने दिग्गज पार्टी के वो चोण मैदान च उतर के उन्होंने वालों प्रचार किया गया है। भावें वह आम आदमी पार्टी जिस तरह नाल इस वेले चोण प्रचार के रुझी हुई है, कांग्रेस वालों भी अपनी चोण मुहिम खासी तेज की गई है। उते सिमरनजीत सिंह मान वालों भी लगातार लोगों विचकार जाके अपना चोण प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी भी अपनी कोई कसर नहीं छड़ रही। उत्थे कमलदीप कौर राजवाणा वालों भी लगातार चोण प्रचार किया जा रहा है। सुखबीर सिंह बादल उन्होंने हक में चोण प्रचार करते आ रहे हैं। रमनदीप साढ़े नाल जुड़ चुके हैं, उन्होंने नाल गल करते हैं। रमन, जिस तरह के नाल संगरूर लोग सभा जिमनी चोण इस वेले तमाम पार्टियां उन्होंने दिग्गजों वालों जड़ा है वह चोण प्रचार किया गया है, जे विचकार बहुत अहम हो जाता है देखना कि किस तरह के नाल लोग किसके हक में फतवा देते हैं। हालांकि अज शाम 6 बजे जड़ा है वह चोण प्रचार थम जाएगा। राणा बिल्कुल, क्योंकि इस बार जिहड़ी हैगी आ चोण बेहद जिहड़ी कि वक्खरे तरीके की चोण है संगरूर दे विच, और मालवा एरिया मालवे एरिए दे विच जिहड़े झोने की लवाई का समा भी यही हुंदा, पीक टाइम चल रहा झोने की लवाई का भी, तो किन्ने वोट परसेंट जिहड़ी कि पोल हुंदी है ये भी बहुत जिहड़ी हैगी निर्भर करेगी जे धार दे जिहड़ा फासला होएगा। और दूसरे पासे इस बार लड़ाई सरकार की कारगुजारी दे विचकार आ, बदलाव और पंथक जिहड़ियां धिरां दे विचकार मुकाबला हैगा। और दूसरे पासे इत्थे कह लगे हल्का बरनला जो भी लोग सभा जो संगरूर कंस्टिटुएंसी है वह हिस्सा है। दूसरे पास दिड़ बजे तो हरपाल चीमा जे ने खजाना मंत्री ने खुद सीएम जे धूरी के ने, और लोग सभा सीट भी सीएम के मुख्यमंत्री बन तो एम एल ए बन तो बाद खाली हुई सी, और धूरी हल्का भी जोड़ा है इसे कंस्टिटुएंसी के तो कह सकते हैं कि सरकार की कारगुजारी जी है इस सीट को लेकर बड़ी निर्भर रहेगी। और दूसरे पास तमाम सियासी धिर वास्ते भी इस सीट वकार का सवाल बनी हुई है। जेकर इतों मौजूदा सत्ता धिर हारती है तो सरकार की कारगुजारी से वड्डा सवालिया निशान लगेगा। जेकर पंथक धिर जितन के कामयाब रहिंदियां, जेकर बीबी राजवान जितन के कामयाब जितन के कामयाब होंगे तो कितना कितने बंदी सिंह की रिहाई का दरवाजा भी खुलेगा। और दूसरे पास कांग्रेस लई जी लगातार टुट भज का शिकार हो रही है, उस लई ये चोण बेहद अहम है, क्योंकि राजा वड़िंग वालों जिम्मेवारी ली गई है। राजा वड़िंग यह भी कहा गया कि मैं 4 साल होर जिहड़ा प्रधान बनने का मौका दिता जाए ता जो 2027 दे विच कारगुजारी बेहतर होवे। तो बीजेपी वालों भी जिहड़ा केवल ढिल्लों के रूप में अपना वड्डा चेहरा दिता गया, और केवल ढिल्लों इसे हल्के दे विच विचरदे रहे ने। और दूसरे पासे सिमरजीत सिंह मान जिहड़े हैगे ने वह भी अपने आप नूं पंथक दे रूप में अग्गे होके चोण लड़ रहे ने। तो फिलहाल जिहड़ा हैगा मुकाबला पांच तरफा इतने मन के चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा देहाती एरिया हैगा, क्योंकि वड्डे शहर धूरी हैगा बरनाला हैगा और संगरूर है, बाकी सारे जिहड़ियां कंस्टिटुएंसी हैगियां वो ज़्यादातर पेंडू जिहड़ी वोट जिहड़ी हैगी इत्थे वध हैगी। टोटल वोटर वोटरां दी गल करिए तो 15,59,240 वोटर ने, पुरश वोटर की गल करिए 8,30,056 वोटर ने, जेकर महिला वोटर की गल करिए 7,39,000 वोटर ने। और
कुल शो जे 16 उम्मीदवार ने 13 पुरश और 3 महिलावान ने तो मुकाबला गह गच और सब तो वड्डी गल है कि सत्ता धिर ते पूरा जिहड़ा हैगा इस गल का जोर लग्या होया कि सत्ता धिर किस तरीके नाल सीट कर दी है क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान दे MLA बन मुख्यमंत्री बन तो बाद जिहड़ी हैगी सीट खाली होई सी तां तमाम दिग्गज इत्थे जोर आजमाई कर रहे ने। अज आखिरी दिन है बचिया होया चोण प्रचार दा, 4 बजे तक चोण प्रचार की समाप्ति हो जाएगी तो सरकार की कारगुजारी वर्सिस बदलाव और इस तों बाद जिहड़ियां तमाम सियासी धिरां दी जिहड़ी हैगी अपनी जिहड़ी होंद बचाउण नूं लैके ये लड़ाई सब तो अहम मन्नी जा रही है पंजाब दे विच और यह चोण जिहड़ी हैगी 2024 का भी जिहड़ा हैगा इत्थों ही मुढ बजेगी। जेकर आम आदमी पार्टी सत्ता धिर हारदी है तो इस तों वड्डे निशान चोण जिहड़े सवालिया निशान लगनगे। 2024 का रास्ता बड़ा मुश्किल होगा, 2027 दे विच बड़ा मुश्किल जिहड़ा सिस्टम चलेगा। जेकर इत्थों बीबी राजवाणा जिद्दी है तो बंदी सिंह दी रिहाई का दरवाजा खुलेगा, जेकर कांग्रेस जिद्दी है तो कितने ना कितने कांग्रेस टुट भज का जिहड़ा शिकार हो रही है वह तो बचण दे विच जिहड़ी हैगी कामयाब रहने वाली है। जी जी रमन शुक्रिया फिलहाल दी सारी जानकारी लई। सो फिलहाल अज शाम 6 बजे चोण प्रचार थम जाएगा, वेखना अहम होएगा कि जनता किस दे हक विच फतवा दिंदी है इस संगरूर लोक सभा जिमनी चोण नूं लैके। सो संगरूर लोक सभा हल्के की तस्वीर जड़ी है वो जो सामने नज़र आ रही है कि किस तरह नाल इस वेले चोण प्रचार जो है वो किया जा रहा है। संगरूर लोक सभा हल्के दे विच कुल दस दे कि वोटर जड़े ने 15,69,240 ने, जिन्हां विच पुरश 8,30,056 ने ते 7,39,140 महिला वोटर ने। उते ही ट्रांसजेंडर की जो गल करी 44 की गिनती है। सो चोण मैदान च कुल 16 उम्मीदवार उतरे ने जो अपनी किस्मत आजमा रहे ने। उते रुक करदे अगे केजरीवाल दे नाल मुख्यमंत्री मान दी कार ते लटकते दी हुण तस्वीर वायरल हो रही है। विरोधी धिरां ने भगवंत मान दी तस्वीर ते सवाल चुके ने। दस दिए कि बीते दिन केजरीवाल इत्थे आए हुए सन ते मुख्यमंत्री मान दी कार ते लटकते दी जो उन्हां दी तस्वीर सामने आई है उसने हुण विरोधियां ते वल्लों जिहड़ा है मौका दिता उन्हां नूं निशाना साधन दा कि किस तरह दे नाल केजरीवाल सनरूफ ते खड़े ने जबकि भगवंत मान बारी नाल लटकते हुए नजर आ रहे ने। इस बाबत विरोधियों ने हुण जम के निशाना साधिया। सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट करके निशाना साधिया ते लिखिया कि इस एक फोटो तो बाद पंजाबियों नूं सब कुछ क्लीयर हो गया। उते प्रताप सिंह बाजवा वालों भी सवाल पूछा गया कि आखिर मुख्यमंत्री कौन ने ते मंत्री कौन। सो निशाना जड़ा है ये तस्वीर जिथे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री तो सनरूफ से इस वेले इस तस्वीर च नज़र आने ते जो पंजाब के मुख्यमंत्री ने जिन्हां नूं एक वड्डी जिम्मेवारी सूबे की जनता ने दित्ती है वो किस तरह के नाल गड्डी की खिड़की चो लटके हुए नजर आ रहे हैं। इसनों लैके विरोधियों ने निशाना जड़ा है वो साध्या तंज भी कसे ते सवाल भी किए ने। सो दस दिए कि यह जी केजरीवाल के नाल मुख्यमंत्री मान की कार के लटकते की तस्वीर है वह हुण वायरल हो रही तो विरोधी धिरां ने जम के इस तस्वीर से सवाल चुके ने। दस दिए कि सुखबीर सिंह बादल ने इस ते ट्वीट किया लिखा है अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। इस एक फोटो तो बाद पंजाबियों नूं सब कुछ क्लीयर हो गया। सो दस दिए कि निशाना जड़ा साध्या है प्रताप सिंह बाजवा ने भी उन्हें कहा कि तस्वीरां मूंह बोल दिया मुख्यमंत्री कौन ते मंत्री कौन। सो निशाना साधन का मौका विरोधियों नूं मिला जिस नाल यह तस्वीर सामने आई है। सो दस दिए कि यह जो तस्वीर सामने आई है हालांकि विरोधी लगातार ही निशाना साधते आए ने ते मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं सिर्फ एक ना दा मुख्यमंत्री कहा गया है कि फैसले जिहड़े ने वो दिल्ली तो होंदे ने, दिल्ली तो अरविंद केजरीवाल जिहड़े ने वो पंजाब की कमान सामभदे ने, कोई भी मसला होवे मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं दिल्ली जिहड़ा है वह वार वार जाना पैंदा है और उत्थों की मोहर लगती है तो फिर फैसले जिहड़े होंदे ने। अजे विचकार यह तस्वीर जो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर वागडोर किस दे हाथ विच है कौन जड़ा है इस वेले सवाल यह उठ रहा है कि मुख्यमंत्री कौन है आखिर सूबे का अरविंद केजरीवाल या भगवंत मान जो कि यह जी बीते दिन की तस्वीर जो कि संगरूर लोक सभा जिमनी चोण को लैके चोण प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंचे सन। सनरूफ जी गड्डी है उतों की अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं हाथ हिलाते ते मुख्यमंत्री भगवंत मान इस वेले गड्डी की खिड़की चो लटकते हुए हाथ हिलाते नजर आ रहे हैं और किन्नी कु उन्हां दी इस तरह दे नाल सेफ्टी है इस ते भी सवाल जिहड़े ने ओह उठ रहे ने जिस नाल लोकां दे विचकारों निकल रही है गड्डी उन्हां दी और यह तस्वीर जिहड़ी है अपने आप च सवाल खड़े कर रही है। सो विरोधी धिरां ने भगवंत मान दी इस तस्वीर ते हुण जिहड़े ने कई तरह के सवाल चुके ने जिथे कि
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਜ ਕਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਣ ਨੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰੋਲੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਗੌਰਮਈ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਾਨਾਮਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਮਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਰ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੈਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਨਿੰਦਾਜਨਕ ਹੈ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਹ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਉਸ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਰੱਖਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ ਇਨਕਲਾਬ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਹਿਲੇ ਦਸਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਆਹ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਆਹ ਇਨਕਲਾਬ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੌਣੇ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੌਰਮਈ ਤੇ ਸ਼ਾਨਾਮਤੀ ਜਿਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਟੋਲ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਿਸਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਰੁਕਦਿਆਂਗੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਿੜ ਗਏ ਸੋ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਲੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਿੜਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਆ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐਫ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ
कोई गड्डिया नहीं लेके जा रहे, सारा बरनला जान के घेर रखे बिना मतलब तो। यह तो यह मतलब थोड़ी है भी केजरीवाल साढ़े पंजाब चाह रहे, सानू साढ़े पंजाब च सानू साढ़े बाजार च फिरन की इजाजत नहीं यार।